और एक जानकारी देना चाहता हूं, आज एक अनोखा चीज क्या किया, पहले भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। मैं जब शिक्षा विभाग की दायित्व में आया 2 साल पहले, भारत की नवगठित लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, यह कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी की था। और मैं आज अगस्त 15 साल भर के बाद, अगस्त 15 कुछ दिनों के बाद आएगा, यूनिवर्सिटी की एक्ट पार्लियामेंट से पारित हो गया, उसकी रूल्स बन गए, उसकी बिल्डअप हो गया, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी पहला साल के एडमिशन का। आज हमने 17 स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर भी ऑफर कर दिया। और उसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत की 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन IIT कानपुर और IIT चेन्नई उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे। 3 कोर्स में आज पढ़ाने का प्रारंभ में व्यवस्था होगा, एटमोस्फियरिक एंड क्लाइमेट साइंस के बारे में चर्चा होगी, एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के बारे में चर्चा पढ़ाई जाएगी और पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ाई जाएगी। पहला साल कानपुर में और चेन्नई में पढ़ेंगे, 2रा साल ये पहुंचेंगे अपने अपने ही कैंपस में, तब तक शायद कैंपस की सारे व्यवस्था हो जाएगी। मित्रों, इन दिनों में कल प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया भी है उसके बारे में, NEP की अगर हम 1 to 100, अगर ये 100 पॉइंट को हम पूरा करते हैं तो शायद NEP की एक सब्सटेंटिव फेज पूरा होता है। पहला पॉइंट होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC। पहली बार देश में आयु वर्ग 3 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए, जो कोहट 5 शिक्षा व्यवस्था के जो 5+3 कहा गया, पहला 5 की पाठ्यक्रम प्रस्तुत होके समाज को समर्पित कर दिया गया है। उसका जो एकदम बिगिनिंग पॉइंट जिसका नाम है बाल वाटिका, कल बाल वाटिका की पहला शिक्षक श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ बिताए, आप सभी ने आपके फोन पे देखा होगा, आपकी राज्य के अखबारों में भी फोटो छपी होगी।